दुनिया में कई खतरनाक जनजातियां हैं, जिनमें इथोपिया की खूंखार मुर्सी जनजाति को नंबर एक पर रखा जाता है। इस खतरनाक जनजाति के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इथोपिया की खूंखार मुर्सी जनजाति के लोग किसी की पल भर में हत्या कर सकते हैं। यह जनजाति किसी की हत्या करना मर्दानगी की निशानी मानती है। मुर्सी जनजाति का बसेरा साउथ इथोपिया और सूडान बॉर्डर स्थित ओमान वैली में है। इनकी कुल आबादी 10,000 के करीब है। दुनिया की खतरनाक जनजातियों में शामिल मुर्सी जनजाति के लोगों के पास ऐसे ऐसे खतरनाक हथियार है जिनसे ये किसी की भी पल भर में हत्या कर सकते हैं, इसलिए इस जनजाति को बेहद खतरनाक माना जाता है। मुर्सी जनजाति के लोग आज भी अपनी परंपरा के अनुसार ही जीते हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए इनके पास सारे आधुनिक हथियार है। बताया जाता है कि इनके पास AK-47 तक है। पुराने मॉडल में ये लोग 8 से 10 गाय देकर खरीदते हैं, जबकि नया मॉडल 30 से 40 गाय देकर खरीदते हैं। पड़ोसी देश सूडान और सोमालिया से इन्हें हथियार की सप्लाई की जाती है। जनजाति के लोग मानते हैं किसी दूसरे को मारे बिना जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं। उनका कहना है इससे अच्छा है कि वे खुद मर जाए। मुर्सी जनजाति के लोगों ने सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी है। अगर कोई इनकी इजाजत के बिना इनके क्षेत्र और समुदाय की तरफ जाता है तो उसको भी ये लोग मार देते हैं। हिंसक व्यवहार की वजह से इथोपिया की सरकार ने मुर्सी जनजाति से संपर्क करने पर बैन लगाया हुआ है। अगर कोई विदेशी या राष्ट्र प्रमुख सरकारी मेहमान के तौर पर इथोपिया पहुंचता है और मुर्सी जनजाति को देखने की इच्छा जताता है तो सरकार उसे आर्म्स गार्ड के सुरक्षा घेरे में लेकर जनजातीय क्षेत्र का दौरा कराती है ताकि उन पर किसी तरह का हमला न किया जा सके। यह जनजाति अपनी परंपरा को लेकर भी खास चर्चा में बनी रहती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लोगों की बुरी नजर से बचने के लिए बॉडी मॉडिफिकेशन प्रक्रिया के तहत इस जनजाति की महिलाओं के निचले होंठ में लकड़ी या मिट्टी की डिस्क पहनाई जाती है। ये 15 से 16 साल की उम्र में कबीले की लड़कियों को पहना दी जाती है। लिप प्लेट के नाम से चर्चित इस बॉडी मॉडिफिकेशन के कारण यहाँ की महिलाएं दुनिया भर के पर्यटकों की नजर में आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। अफ्रीका में मुर्सी, छाई और तिरमा जनजाति ही ऐसी है जिसमें इस प्रथा का चलन अब भी जारी है। अब सवाल ये उठता है कि महिलाओं के साथ ऐसा क्यों किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जनजाति की महिलाओं के निचले होंठ में डिस्क लगाने का कारण उन्हें गुलाम खरीदने बेचने वाले व्यापारियों से बचाना है। जनजाति के बुजुर्गों के मुताबिक ऐसा करने से महिलाओं की सुंदरता कम हो जाती है और वे कम आकर्षक दिखती है। 15-16 साल की उम्र में पहुंचने पर लड़की की माँ कबीले की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर उनके निचले होंठ को काट देते हैं। घाव पकने तक उसमें लकड़ी का टुकड़ा फंसाया जाता है। फिर कुछ महीनों बाद उसमें 12 सेंटीमीटर व्यास की डिस्क फंसा दी जाती है जो कि उम्र भर उसके होंठ में लगी रहती है। मुर्सी जनजाति के लोग लड़ाई से पहले खूब जानवरों का खून पीते हैं ताकि वो ज्यादा मोटे और ताकतवर बन सके, कबीले में अपना सम्मानजनक पोजीशन बना सके। हालांकि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान भी लोग जानवर का खून और दूध खूब पीते हैं। इसके अलावा इस जनजाति के पुरुष महिलाओं के लिए आपस में डंडों से लड़ाई करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो शख्स लड़ाई में जीतता है उसे सबसे सुंदर बीवी मिलती है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके पास इस वीडियो से जुड़े कुछ और तथ्य हैं तो उसे भी हमारे साथ जरूर शेयर करें।